सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी शाइन क्राफ्टर्स एंड हैप्पी विंटर्स। विंटर स्टार्ट हो गई है, सो आई एम इन माय कम्फी विंटर क्लोथ्स। आप लोग की सर्दी कैसी जा रही है कमेंट में बताइए। और आज हम बनाने वाले हैं कैनवस पोर्ट्रेट वंस मोर, क्योंकि हमें अब मजा आने लगा है। तो आज हम बनाएंगे राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें मैं आपको बताऊंगी डूज एंड डोंट्स, सो बने रहिए। चलो वीडियो के अंदर, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले सबसे पहले कलर मिक्स करेंगे खूब सारे व्हाइट में, थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाकर हम लोग राम भगवान के स्किन कलर को प्रिपेयर करेंगे। लेट्स मिक्स इट। मिक्स करने के बाद हम उनको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई होने के बाद हम बनाएंगे सीता जी के स्किन कलर, खूब सारा व्हाइट, उसमें हल्का सा ऑरेंज एंड लाइट ऑरेंज कलर स्किन कलर, दैट इज कॉल्ड। हम लोग उनके बॉडी को उससे कलरिंग करेंगे। देन विल गो टू द पोशन, हम उनके दुपट्टे और उनके वस्त्र को पेंट करेंगे। धीरे धीरे प्रोसेस को एंजॉय करते करते वाइट पोर्स को पहले से फील करते जाना है, क्योंकि लास्ट में जब वो बच जाते हैं वो बहुत गंदे दिखते हैं। फिर लास्ट में हम लोग को मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। फिर हम लोग येलो कलर मैंने वस्त्र में किया, एंड येलो कलर पता नहीं क्योंकि कैनवस में बहुत खिल के आता है, एंड येलो कलर एकदम इजीली फैल भी रहा था, ज़्यादा कोई एफर्ट्स डालने की नीड्स नहीं हो रही थी मुझे उसमें येलो कलर में। तो पता नहीं क्यों कैनवस पे मुझे येलो कलर यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। एंड फिर हम लोग ने राम भगवान के वस्त्र को पेंट करने का सोचा, उससे पहले मैंने उनके ब्लाउज़ को पेंट किया विद द रेड कलर, एंड यहाँ पर रेड और येलो कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था। होप सो आपको लोग भी अच्छा लग रहा होगा, एंड द कलर कॉम्बिनेशन यू कैन चूज़ योर सेल्फ टू। एंड यहाँ पर मैंने येलो और ऑरेंज का शेड देते हुए उनके अंगोचे को पेंट किया। राम भगवान को हम लोग पूरा येलो और ऑरेंज मतलब केसरा, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर में थोड़ा सा येलो मिलाया है, तो वो थोड़ा सा एकदम ऑरेंज कलर भी नहीं दिख रहा है, लाइक इट्स लाइक कॉल्ड केसरिया कलर, ओके। फिर मैंने थोड़ा सा एक लोटस गुलाब का फूल बैठाया है उनके कानों पर, एंड उसके बाद मैं आई हूँ हेयर्स पर, मैंने हेयर्स को कलर किया। हेयर्स को कलर करने के बाद मुझे लगा कि मुझे राम भगवान के भी हेयर्स को ब्लैक ही कर देना चाहिए, सो आई डिड इट। फिर मैं आइस पोशन पे, एंड आइस पोशन वाज लिटिल बिट ईजियर देन द टू प्रीवियस कैनवासेस, बिकॉज यहाँ पर खाली लाइंस बनानी थी, वाज नॉट अ परफेक्ट आई स्ट्रक्चर। एंड आफ्टर लेटर ऑन आई गॉट टू द डिटेलिंग ऑफ द क्लोथ्स, फिर मैंने उनको हाईलाइट करने के लिए रेड कलर को यूज़ किया, एंड सीता माँ की ओढ़नी पर ऑरेंज कलर से डिटेलिंग करी। एंड धीरे धीरे ये वाली जो चीज़ थी ना उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। एंड आफ्टर आई मेड दी, मैंने ब्रश को धोया एक बार और फिर आउटलाइन करी, क्योंकि जो बारीक पोर्शन पे आउटलाइन करनी होती है हमें फ्रेश ब्रश चाहिए रहता है, ओके। फिर मैंने त्रिशूल और एरोस पे पेंट किया, उस पर मैंने लाइट ब्लैक कलर किया और फिर उसको मैंने डार्क ब्लैक कलर से हाईलाइट दिया, जिससे वो 3D मीन्स एनहांस करा था उस त्रिशूल और एरोज़ को। फिर मैंने लिप पोशन कंप्लीट किया, देन आइस और थोड़े वाटर की हेल्प से उसमें फील कर दिया, तो वो आई शेडो जैसा लुक दे रहा था। फिर मैंने राम भगवान जी का तिलक बनाया, एंड आफ्टर आई डिड दी ब्लैक आउटलाइनिंग, बिकॉज ब्लैक कलर से आउटलाइन से ड्राॅइंग में जान ही आ जाएगी दोस्तों। फिर धीरे धीरे कंप्लीट करने के बाद आई वॉज थिंकिंग ऑफ द बैकग्राउंड, तब तक मैंने सोचा इनके हेयर को मैं थोड़ा और डिटेलिंग करती हूँ, तो मैंने वाइट कलर से डिटेल किया, एंड वाइट करते करते मुझे दिखा गोल्डन कलर, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इसमें गोल्डन कलर का इफेक्ट भी डालें, तो अच्छा लगना चाहिए, राइट। तो मैंने किया वो चीज़, मैंने गोल्डन कलर का भी इफेक्ट डाला, एंड इट वॉज लुकिंग ऑसम। फिर कहीं कहीं और गोल्डन कलर का मुझे यूज़ दिखा, तो मैंने कर लिया। एंड फिर मैंने सोचा कि हम लोग अब जो ट्रीज़ हैं उनमें ब्राउन कलर देंगे, ब्राउन में थोड़ा सा ब्लैक कलर देंगे, एंड फिर पूरे में ग्रीन कलर करके उसमें वाइट डॉट्स रेड डॉट्स लाइक फ्लावर इफेक्ट्स देंगे, एंड इट वाज डन। द रिजल्ट वाज सो ऑसम गाइस। चलो बाय, मम्मी की आवाज़ आ गई, तब तक के लिए लाइक शेयर कॉमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।
सो कैसा लगा ये वीडियो? जो सीता जी बने थे ना, बहुत प्यारे बने, मुझे मजा आ गया उनको बनाने में। आप लोग को कैसा मजा आया देखने में जल्दी से बताओ, और अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियोस देखनी हो तो सब्सक्राइब करो, एंड बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो। बाय।